चारधाम यात्रा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। केदारनाथ मंदिर परिसर में रील्स बनाने वालों पर चालान। केदारनाथ परिसर में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने और नशा कर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। अब तक धाम के प्रतिबंधित क्षेत्र में रील्स बनाने वाले 84 व्यक्तियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई, जबकि हुड़दंग मचाने पर 59 लोगों पर कार्रवाई की गई है। चारधाम यात्रा में अब तक 56 तीर्थयात्रियों की मौत। चारधाम यात्रा शुरू होने के 16 दिन में 56 तीर्थयात्रियों ने दम तोड़ दिया है। इनमें 50 साल से अधिक आयु के 40 यात्री शामिल हैं। हार्ट अटैक और पल्मोनरी एडिमा के कारण 47 तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग पर सबसे अधिक 27 यात्रियों की अब तक मौत हो चुकी है। शुक्रवार सुबह तक ये आंकड़ा 23 था, लेकिन धाम में शाम को 4 और यात्रियों के हार्ट अटैक से मौत हो गई। 14 वर्षों में हुई केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं। केदारनाथ क्षेत्र में 14 वर्ष में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन हादसों में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान जहां सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, वहीं अन्य में तकनीकी खामियां आई हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार। चारधाम दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है। शुरुआती 15 दिनों में ही श्रद्धालुओं ने यह रिकॉर्ड बनाया है। प्रशासन के अनुसार 10 से 24 मई तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 10,30,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इनमें केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 4,47,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।